वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं YT योर इंग्लिश ट्यूटर, आपका अपना यूट्यूब चैनल न्यूज़पेपर के जरिए इंग्लिश को बिगनर लेवल से बेहतर बनाने का। आज सुबह के सेकंड एडिटोरियल को हम लेने वाले हैं माइंड द गैप। अच्छा लिखा हुआ है, नई थीम है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, अभी आप मेरे साथ देखेंगे। फटाफट से शुरू करेंगे, नए हो चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करना मेरे भाई, क्योंकि जिस तलाश में आप यहाँ आए हो वो आज आपकी यहाँ आकर के होती है पूरी। आप देखेंगे कैसे अगले 10 मिनट के अंदर। चलिए शुरू करें फटाफट से। कह रहे माइंड द गैप, गैप को करें माइंड। अब ये माइंड करना क्या होता है, एक जो है ना छोटा सा फ्रेज है, सब सुनते हो, याद रखें उसको, माइंड योर बिजनेस। बहुत लोगों को बोलते हैं ना अपने, या सुनते भी हैं किसी से, मतलब क्या होता है इसका, अपना बिजनेस मतलब अपना जो काम है उसको माइंड करें, उसी में ध्यान रखें, अपने काम से काम रखें। तो माइंड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का ध्यान रखना। अब देखो माइंड द गैप का मतलब क्या हो गया, फासले का ध्यान रखें, फासले को बनाए रखें, मेरे नज़दीक ना आए। पर एक्चुअल में ये टाइटल कुछ और कहता है, हिंदू के टाइटल्स ऐसे ही होते हैं। टाइटल ये कह रहा है कि गैप जो आया एक सर्वे के अंदर मेन एंड वीमेन की कंडीशन के अंदर इंडिया में, जो फासला है उसको माइंड करे गवर्नमेंट, उस फासले को दूर करे। समझ रहे, उल्टा टाइटल जो है ना, बिल्कुल उल्टा कह रहा है इसका, यही द हिंदू की खासियत है, इसी तरीके से लिखा जाता है। चलिए टाइटल पैराग्राफ देखते हैं। कह रहा है अराउंडेड अप्रोच इज नेसेसरी टू इंश्योर वीमेन्स एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़। एंड नहीं लगाओ या कॉमा लगाओ है। करे एक राउंडेड जो अप्रोच है ना, ऐसी अप्रोच जो राउंडेड है, बैलेंस्ड है, हर एंगल को कवर करती है, ऐसी एक बैलेंस्ड वाली, संतुलन वाली अप्रोच जरूरी है इंश्योर करने के लिए, पक्का करने के लिए औरतों के एक्सेस को, औरतों की पहुंच को वीमेन की, और कहाँ पे रिसोर्सेज जो हमारे संसाधन हैं, और कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज जो हमारे पास मौके हैं, मतलब उनको बराबर रिसोर्सेज मिले मेन के और बराबर उनको अपॉर्चुनिटीज मिले, ये काम इंश्योर करना है तो एक बैलेंस्ड अप्रोच आपको चाहिए। समझ गए सेंटेंस को। एक चीज़ मैं मिस कर गया छोटी सी टाइटल के अंदर, आपको मैंने बहुत बार बताया है कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं होता जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब ना हो, तो माइंड द गैप कैसे बन गया, एक जो है एक सेंटेंस कैसे बनाए। यहाँ इस सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट है, वो है हिडन। इस सेंटेंस को हम बोलते हैं, या इस टाइप के हम सेंटेंस को बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। मतलब माइंड द गैप करके मैं कह रहा हूँ, यू माइंड द गैप। जैसे आप किसी को बोलते हो ना ब्रिंग द वाटर, अब वाटर कौन लाएगा, आप ही लाओगे ना यार, जिसको बोल रहा हूँ मैं वही लेकर के आएगा ना, दीवाने थोड़ा ना लाएगी। तो यहाँ पे यू हिडन है, इन सेंटेंसेस के अंदर हमेशा यू हिडन होता है, इनको कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑर्डर देने वाले सेंटेंस, किसी से रिक्वेस्ट करने वाले सेंटेंस। चलिए टाइटल पैराग्राफ में मैंने आपको दो वर्ड्स बताए, राउंडेड एंड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आप जानते हैं एक नाउन है, कॉमन नाउन बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसको हम प्लूरल कर रहे हैं। राउंडेड एक एडजेक्टिव है, कैसी अप्रोच, सीधी अप्रोच, टेढ़ी अप्रोच, लंबी अप्रोच और एक राउंडेड अप्रोच। हमेशा इस तरह से एडजेक्टिव का टेस्ट करें, अगर किसी एडजेक्टिव का आपको टेस्ट करना है ना, एक नाउन के पहले उस एडजेक्टिव को रख के देखें, अगर सेट बेटर है तो वो एडजेक्टिव है। हर रोज जो सलाह देता हूँ मैं वो फिर से आपको दूंगा, सभी वर्ड्स को नोटबुक में नोट डाउन करें, इनके ऊपर एक एक दो दो सेंटेंस बनाएं, हर वीक उस नोटबुक को रिवाइज करें, अपनी वोकैबुलरी, अपने कॉम्प्रिहेंशन और इंग्लिश एज ए होल को अच्छा बेहतर बनाने के लिए। दूसरी चीज, पार्सिंग करना जाने, हर वर्ड को यहाँ तोड़ करके बताएं क्या काम कर रहा है यहाँ पे, तभी आप ग्रामर को सीख पाएंगे, पार्ट ऑफ स्पीच को पकड़ें। नहीं जानते पार्सिंग क्या होती है तो आपने ग्रामर वीडियोस नहीं देखी हैं मेरे भाई, एक एक घंटे की बना रहा हूँ, पूरा टाइम लेकर के बना रहा हूँ, जा करके अभी ग्रामर वीडियोस को देखना शुरू करें, यहाँ ऊपर डाल रहा हूँ। एक छोटी सी और चीज़ है, जिन लोगों को स्पेशल वीडियोस का कोर्स ज्वाइन करना था और वो करना चाहते हैं, तो मैं उनसे पहले छोटी सी गुजारिश ये करूँगा, आप अपने आप से दो सवाल पूछें, क्या आप रोज़ एडिटोरियल देखते हैं, हाँ या ना। फिर आप ये पूछें, क्या आप एडिटोरियल के नोट्स बना रहे हैं, हाँ या ना। फिर आप जो है ना पेड कोर्सेज पर जाने की कोशिश करें। अगर आप यही काम नहीं कर रहे हैं, ग्रामर वीडियोस नहीं देख रहे हैं, तो आप पेड कोर्सेज पर जाएंगे, मैं आपको सलाह नहीं देता हूँ, मत जाएं। पहले ये करें फिर उस पर जाएं, वो हाई लेवल की चीज़ है, मैं सीधे मुद्दे पर आऊँगा उस पर, ताकि आपको चीज़ों के बारे में थोड़ा और जब है ना बारीकी से बता सकूँ। छुट्टी लेकर बना रहा हूँ मैं वीडियोज़, तो जा करके तभी देखें उन वीडियोज़ को, अगर आप जो है इतना काम कर रहे हैं ऑलरेडी। जिन लोगों को पेमेंट में प्रॉब्लम है, 9601327799 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को कॉल करके, मैसेज करके, कॉल नहीं करें, मैसेज करें, मैसेज करके आप मुझे बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखो फिर बोल रहा हूँ, कॉल नहीं करें मुझे, मैसेज भी तभी करें जब आपको कुछ काम हो। छोटी सी मेरी, छोटा सा काम है, जॉब भी है, सब काम करता हूँ मैं एक इंसान को एंटरटेन नहीं कर सकता, ऐसे बिना बात का मैसेज या कॉल मुझे नहीं करें, जरूरत हो तभी करें मुझे, ठीक है। चलिए शुरू करें फटाफट से। एक जेंडर सर्वे आया है, समरी बता रहा हूँ मैं, सर्वे के अंदर ये पाया कि औरतों की कंडीशन इंडिया में आज भी बहुत खराब है,
ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड सर्वे हुआ था, ग्लोबल सर्वे है, पूरी दुनिया के अंदर इंडिया जो है कई जो है स्टेप्स जो है ना नीचे आ गया, कई रैंकिंग उसकी गिर गई हैं। तो ये क्या करे एडिटोरियल यार, कर लो तुम डेवलपमेंट, सब काम कर लो, पर औरतों की कंडीशन को तुम्हें देखना है। अब ये चीज़ तो हमें ग्लोबल एजेंसियां बता रही हैं कि आपके यहाँ के औरतों की करीब जो है बहुत ख़राब कंडीशन है। तो मतलब इतनी ख़राब भी नहीं है, पाकिस्तान बांग्लादेश से हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, पर डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर इंडिया की जो कंडीशन है ना वो एट पार नहीं है चाइना के और रशिया के। तो यही कहना चाह रहा है, कंडीशन बढ़ाओ, अच्छी करो। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। असेसिंग वुमेन्स एक्सेस टू इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड रिसोर्सेज अगेंस्ट द एक्सेस दैट मैन हैव वुड बी अ साइंटिफिक वे ऑफ इवेल्यूटिंग अ नेशंस कमिटमेंट। इतना बढ़ेंगे फिर आगे पढ़ेंगे। कह रहा असेसिंग, असेस करना, जायजा लेना किसी चीज़ को जो है जांच करना। तो कह रहा जो असेस करने का काम है ना, अवेल्यूएट करने का काम है, जांच करने का काम है वीमेंस के एक्सेस को, औरतों की पहुंच को, और पहुंच कहाँ पे, बराबर के मौक़ों की तरफ, इक्वल अपॉर्चुनिटी की तरफ, और कैसे, इक्वल रिसोर्सेज की तरफ, बराबर के सबको रिसोर्सेज मिले मैन एंड वुमेन को। और किसके सामने ये, अगेंस्ट किसके, कंपैरिजन में जो एक्सेस जो पहुंच मैन हैव आदमी लोगों के पास है, समझ रहे हो, मैन लोगों के पास ऑलरेडी है। कह रहे जो असेस करने का काम है ना ये वुड बी होगा एक बिल्कुल साइंटिफिक वे, एक बिल्कुल वैज्ञानिक तरीका, और किस काम को करने का, इवेल्युएट करने का, असेस करने का, जायजा लेने का अ नेशंस एक देश के उस कमिटमेंट को, उस वादे को जो कि है टू द एडवांसमेंट ऑफ सिटीजन्स, इसके सिटीजन्स की एडवांसमेंट का, इसके नागरिकों के जो है उद्धार का। एडवांसमेंट मतलब क्या होता है, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाना, समझ गए। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ सेंटेंस, फिर इसके अंदर पीछे एक चीज़ है वो आपको बताऊँगा। असेस करना औरतों के पहुंच को, बराबर के मौक़ों की तरफ और रिसोर्सेज की तरफ, और किसके सामने असेस करना, कंपैरिजन में असेस करना उस एक्सेस के, उस पहुंच के जो मैन के पास ऑलरेडी है, आदमी लोगों के पास ऑलरेडी है, मैन हैव। कह रहे ये जो असेस करने का काम है ना ये एक साइंटिफिक वे होगा, बिल्कुल वैज्ञानिक तरीका होगा इवेल्युएट करने का, जायजा लेने का किसी भी देश के उस वादे का, उस कमिटमेंट का जो कि इसके सिटीजन्स, इसके नागरिकों के एडवांसमेंट का होता है, समझ गए। अब देखो सेंटेंस में देखने वाली चीज़ क्या है, आपने यहाँ पे एक वर्ड देखा असेस, और यहाँ पे आपने वर्ड देखा एक्सेस, और आप यहाँ पे असेस और एक्सेस अगर देखोगे ना, पहली बार अगर देख रहे हो आप इन दोनों में फ़र्क नहीं कर पाओगे, बहुत बड़ा फ़र्क है इनमें मेरे भाई। मैं अगर 5 क्वेश्चन अभी बना दूँ ना तो आप में से 80% लोग का चक्कर जो है दिमाग घूम जाएगा। अब मैं आपको फटाफट से बताता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं अलग से इनको टाइम दे रहा हूँ, ध्यान रखना इनका। असेस करने का मतलब होता है वर्ब, एक इसका मतलब होता है एग्जामिन करना, किसी चीज़ को इवेल्युएट करना, जायजा लेना या अप्रेज करना। पहले तो इसके सारे सिनोनिम देख लो, समझ गए। असेस का मतलब सिर्फ एक ही होता है, किसी चीज़ को, कोई काम को करना, और काम है इवेल्युएशन करने का। दूसरा वर्ड है एक्सेस, देखो इसमें लगा हुआ है डबल एस, इसमें लगा हुआ है डबल सी, इसको बोलते हैं असेस नहीं एक्सेस। एक्सेस करने का मतलब है पहुँच, पहुँच में आनी कोई चीज़ या किसी चीज़ को, किसी चीज़ की तरफ आपकी पहुँच, समझ गए। असेस मतलब किसी चीज़ का जायजा, एक्सेस मतलब पहुँच। सेंटेंस बना के दिखाता हूँ, आप खुद देखो इन दोनों में क्या फ़र्क है। आई कैन नॉट एक्सेस एक्सेस योर, जस्ट अ मिनट, योर कंप्यूटर, ठीक, मैं तुम्हारे कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, खोल नहीं पा रहा हूँ, पासवर्ड लगा हुआ है, नहीं खोल पा रहा हूँ, एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे असेस लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, मैं तुम्हारे कंप्यूटर का जायजा नहीं ले पा रहा हूँ। कोई क्या बात हुई है, जायजा क्या लेना होता है कंप्यूटर का, कंप्यूटर को आपको एक्सेस चाहिए, उसमें आपको असेस लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो मैं असेस यूज़ करके दिखाता हूँ, कैन यू यू असेस माई वेट लॉस परफॉर्मेंस सो फार। आपने अपने कोच को बोला जिम के अंदर, आप मेरी वेट लॉस की जो परफॉर्मेंस है अभी तक, जो मैं वेट लॉस कर रही हूँ या कर रहा हूँ उसकी परफॉर्मेंस को क्या आप मेरे को एक्सेस करके बता सकते हो, असेस करके बता सकते हो, समझ लो। तो इस तरह से आपको असेस और एक्सेस में फ़र्क करना है, एक्सेस मतलब पहुँच, असेस मतलब किसी चीज़ का जायजा। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, अभी आप कन्फ्यूज हो जाओगे, एक क्विज डाला मैंने छोटा सा, 3 क्वेश्चन हैं, 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन हैं, जस्ट ए मिनट, मैं आपके सामने बड़ा कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अभी यहीं पे पॉज करें, इन चारों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, असेस और एक्सेस में से एक चीज़ को आपको चूज़ करना है, जाकर के कमेंट सेक्शन में डालें, मैं सही कर दूंगा जिसका गलत होगा। बढ़े आगे, तो यहाँ पे यही कह रहा है, एक्सेस करना है वीमेन के एक्सेस को, औरतों की पहुँच को एक्सेस करना है, दोनों को एक साथ इसने यूज़ किया है। वीमेन क्या होता है, बहुत सारी औरतें, प्लूरल के अंदर हम लिखते हैं वीमेन, सिंगुलर में लिखते हैं वुमन। इवेल्युएशन, इवेल्युएशन, इवेल्युएशन का मतलब भी एक्सेस करना ही होता है, इवेल्युएट एक्सेस का एक सिनोनिम है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है बट गोइंग बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 कह रहा है लेकिन गोइंग बाय, अब देखो गोइंग बाय मैंने सबको बताया हुआ, आप लोगों को ज़्यादातर को पता होना चाहिए गोइंग बाय का मतलब क्या होता है, के हिसाब से या अकॉर्डिंग टू, जिन्होंने नोट्स बताए उनको पता है, कह रहा है लेकिन गोइंग बाय अकॉर्डिंग टू, और किसके अकॉर्डिंग टू, ये वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम है ना इसके ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अकॉर्डिंग, इसने जो इंडेक्स बनाया है इस ग्लोबल जेंडर गैप नाम का और बनाया 2020 में, तो इसके हिसाब से क्या कह रहा है, रिलीज लास्ट वीक, जो कि लास्ट वीक ही रिलीज हुआ है, क्वेश्चंस कैन ईजली बी रेज्ड, जो सवाल है ना वो ईजली बड़ी आसानी से कैन बी रेज्ड उठाए जा सकते हैं, और अबाउट किस बारे में, वेदर दिस गवर्नमेंट इज डूइंग द राइट थिंग बाय द कंट्रीज वुमेन, वेदर हाँ के नाम ये गवर्नमेंट कर रही है बिल्कुल सही चीज इस कंट्री की औरतों के साथ, एक बार पूरा सेंटेंस जोड़ रहा हूँ फिर पीछे का देखना, कह रहा लेकिन गोइंग बाय होते हुए अकॉर्डिंग टू इस ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल जेंडर गैप सर्वे के इंडेक्स के हिसाब से जो कि 2020 में हुआ और जो कि रिलीज हुआ है लास्ट वीक की, सवाल जो है ना इसके हिसाब से बड़े इजीली उठाए जा सकते हैं, रेज किए जा सकते हैं कि हाँ कि ना ये गवर्नमेंट सही काम कर रही है कि नहीं कर रही, डूइंग द राइट थिंग किसके साथ, बाय द कंट्रीज वुमेन, अब देखो देखने वाली चीज़ क्या है इसमें, गोइंग बाय, अगर नोट्स बनाए हैं तो अभी नोट्स में देखो कहाँ आपने लिखा था, और नहीं बनाए तो अभी नोट करो गोइंग बाय का मतलब, इंडेक्स क्या होता है आप इंडेक्स जानते हैं ना, इसमें बताने वाली चीज़ मैं ये बताना चाह रहा था, नॉन वीडियो के अंदर आपने लास्ट वीडियो में देखा इंडेक्स वोटेक्स जस्ट ए मिनट और अपेंडिक्स, इन तीनों का प्लूरल बनाते हैं तो अलग तरीके से बनता है, इंडेक्स का क्या बनता है, इंडिसेस, इंडिसेस पीछे का ई एक्स निकाल करके हम लगा देते हैं आई सी ई एस, और वैसा ही हम इन दोनों के साथ करते हैं वर्टिसेस, और इसके साथ क्या बोलते हैं अपेंडिसेस, आप इसका प्लूरल थोड़ा अलग तरीके से बनाते हो, नाउन चैप्टर में एरर्स में आपने मेरे साथ देखा था, चलिए डू द राइट थिंग बाय समबडी इज अ फ्रेज, इसका मतलब ये होता है किसी के साथ सही काम करना, किसी को सही तरीके से ट्रीट करना, डू द राइट थिंग बाय समबडी, समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहे इंडिया हैज़ ड्रॉप्ड 4 points फ्रॉम 18, इंडिया जो है ड्रॉप हो चुकी हैज़ ड्रॉप का मतलब क्या है, गिर गई है कितने 4 points से, और कब से 2018 से, और कैसे, टू टेक द 112th रैंक ऑन द इंडेक्स, लेने के लिए 112वें रैंक को इंडेक्स के ऊपर, चार स्थान गिर के 112वें रैंक पे आ गई है, आरसी क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे थोड़ा सा जो है इनडायरेक्ट, तो 2018 के अंदर जो हमारा 2017 के अंदर हमारा क्या रैंक था, चार स्थान गिर के 112 पे आई है, तो मतलब 2017 के अंदर हमारा रैंक था 108वां था ना, चार गिर के 112 पे हम आ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहे द इंडेक्स मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ जेंडर बेस्ड गैप्स, ये जो हमारा द इंडेक्स है ना, द लगा के क्या बता रहा हूँ मैं, इस खास इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, कह रहे जो हमारा खास इंडेक्स है मेजर करता है उस एक्सटेंट को, उस लेवल को, और किसका, जेंडर बेस्ड गैप का, कैसा गैप है, कैसा फासला है जेंडर के हिसाब से, और कैसे, ऑन द 4 key parameters, चार बड़े ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के ऊपर, पैरामीटर क्या होते हैं, क्राइटेरियाज, आपने क्राइटेरिया देखा ना मेरे साथ, जस्ट अ मिनट, क्राइटेरिया, तो ये करता है ये जेंडर का बेस्ड जो है गैप जो है इस तरह से मेजर करता है, अब देखो ये चार क्राइटेरिया कौन कौन से बताएगा, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, और दूसरा है अपॉर्चुनिटी, तीसरा है एडुकेशन अटेनमेंट, चौथा है हेल्थ एंड सर्वाइवल, और पांचवा है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, तो चार नहीं पांच हो गए शायद, देखो ये पहला वाला एंड लगा हुआ है तो एक ही है, तो कह रहा है एक तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, इकोनॉमी में कितना पार्टिसिपेशन है औरतों का और अपॉर्चुनिटी कितनी मिली हुई है, दूसरा है एजुकेशन अटेनमेंट कैसी है, कितनी एजुकेशन को वो अचीव कर रही है, अटेनमेंट मतलब अचीव करना, और तीसरा क्या है हेल्थ एंड सर्वाइवल कैसी है, कैसी उनकी हेल्थ रहती है, कितना वो सर्वाइव करती हैं, कितना लंबा वो जीती हैं, और चौथा है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, हमारी पॉलिटिक्स में वो कितनी एम्पावर्ड है, कितनी उनके पास ताकत है, कितनी वो पॉलिटिक्स में कंट्रीब्यूट करती हैं, समझ गए, ये कह रहा है ये इंडेक्स जो है इसने इस तरह से मेजर किया, पैरामीटर को आप क्राइटेरिया लिखते हैं, मैं बताना ये चाह रहा था क्राइटेरिया इज सिंगुलर, इसका जो प्लूरल बनता है, प्लूरल इसका सिंगुलर जो बनता है वो बोलता है क्राइटेरियन, समझ गए, देखा ना नॉन वीडियो में, रिपीट करवा रहा हूँ मैं, जो आपने देखा है वही बता रहा हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है नोटेबली, बड़ी नोट करने वाली बात है नोटेबली, कह रहा है इट मेजर्स जेंडर बेस्ड गैप्स इन एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज, ये मेजर करता है उन गैप्स को जो कि बेस्ड है जेंडर पे, और किस बारे में है वो, एक्सेस के बारे में, पहुंच के बारे में है, और एक्सेस किसकी तरफ है, रिसोर्सेज की तरफ और मौक़ों की तरफ, इन कंट्रीज, देशों के अंदर, कंट्रीज के अंदर, कह रहा है कोमल का के रादर देन द एक्चुअल लेवल्स ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज, बजाय एक्चुअल जो लेवल है अवेलेबल रिसोर्सेज का
और अपॉर्चुनिटीज़ का, समझ गए? सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, जो आपकी कंट्री के अंदर रिसोर्सेज मौजूद है ना, उनके ऊपर ये बात नहीं कर रहा, ये बात और कंपैरिजन कर रहा है जो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होने के बावजूद हमारे पास जिनका एक्सेस है, या जितने अवेलेबल हैं उनसे कम हमारे पास एक्सेस है। मतलब आदमियों के सामने औरतों की जो है ना एक्सेस को देख रहा है, ऐसा नहीं देख रहा टोटल रिसोर्सेज कितने हैं उसमें से कितना औरतें एक्सेस कर रही हैं, दोनों को गैप को ना उनके बीच को इस्टेब्लिश कर रहा है आदमी और औरतों के बीच में। आगे बढ़ते हैं, एक इसमें देखने वाली चीज़ थी, जस्ट ए मिनट, एक्सेस टू, हमेशा एक्सेस के बाद आप टू लगा करके बताते हैं किस चीज़ की तरफ। आई कैन नॉट हैव एन एक्सेस टू योर कंप्यूटर, आई डो नॉट हैव एक्सेस टू दिस डॉट, आई डो नॉट हैव, द वीमन डो नॉट हैव एक्सेस टू रिसोर्सेज, समझ लो एक्सेस प्लस में टू का यही काम होता है। कह रहे डिस्पाइट अ स्मॉल कोर इम्प्रूवमेंट, बावजूद एक छोटी सी स्मॉल स्कोर की इम्प्रूवमेंट के अंदर, हमारे वहाँ के जो हमने स्कोर किया है उसके अंदर थोड़ी सी इजाफे के बावजूद, कह रहा है इंडिया हैज़ लॉस फोर पोजीशंस, इंडिया ने लूज़ कर दिए हैं, खो दिए हैं चार पोजीशंस। कह रहा है एज़, जैसे कि सम कंट्रीज़ रैंक लोअर देन इंडिया, कुछ ऐसी कंट्रियाँ जो कि इंडिया से लोअर रैंक थी, नीचे के जो है रैंक्स पे थी, कह रहा हैव शोन बेटर, उन्होंने दिखाया है ज़्यादा बेहतर इम्प्रूवमेंट, इजाफे को इम्प्रूवमेंट के अंदर, समझ गए? तो कह रहा बावजूद अच्छा स्कोर करने के इस साल हम पिछले साल से इसलिए पिछड़े हैं क्योंकि हमारे से जो पीछे थे ना उन्होंने हमारे से और भी अच्छा स्कोर किया है। एज एक कंजंक्शन है, इस पूरे क्लोज को इस पूरे क्लोज से जोड़ रही है, जब कंजंक्शन एज बन करके आ जाए उसका मतलब होता है जैसे कि या क्योंकि, समझ गए? जैसे कि या क्योंकि। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्पाइट को आप इंस्पाइट ऑफ भी बोलते हैं, जिन लोग नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं, डिस्पाइट के बाद में ऑफ नहीं लगाना होता, अगर ऑफ लगाना है तो इंस्पाइट लिखें, इंस्पाइट के बाद ऑफ लगाएं, दोनों का मतलब एक ही है। द कंट्री हैज़ रिपोर्टेडली क्लोज टू थर्ड्स ऑफ ओवरऑल जेंडर गैप, जो हमारा देश है ना इसने रिपोर्टेडली, ऐसा रिपोर्ट किया जाता है, क्लोज कर दिया है इसने टू थर्ड, दो तिहाई को, और किसके ओवरऑल इसके जेंडर के गैप को, कुल मिलाकर के जो इसमें जेंडर का गैप था, और कैसे, विद अ स्कोर ऑफ 66.8%, इस स्कोर के साथ 66.8% के। कह रहा बट लेकिन द रिपोर्ट नोट्स, ये जो रिपोर्ट है ना, द रिपोर्ट खास रिपोर्ट है, नोट करती है इस बात को, विद कंसर्न, बड़ी चिंता के साथ, दैट वो ये कि द कंडीशन ऑफ वीमेन इन लार्ज फ्रिंजेज ऑफ द इंडियन सोसाइटी इज प्रिकरियस, जो कंडीशन है औरतों की बड़े बड़े फ्रिंजेस के अंदर इंडियन सोसाइटी के, बड़ी ही प्रिकेरियस है, बड़ी डेंजरस है, बड़ी ख़राब है। फ्रिंज क्या होता है अभी मैं आपको तसल्ली से बताऊंगा, अभी आप फ्रिंज को एक बार छोड़ दें, सेंटेंस एक बार रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ताकि फिर इसके पीछे की चीज़ें हम देखें। कंट्री ने कथित तौर पर क्लोज कर दिया है दो तिहाई को टोटल जो जेंडर गैप था उसके, एक स्कोर के साथ जो कि था ये, लेकिन ये रिपोर्ट ने ऐसा नोट किया बड़ी चिंता दिखा करके कि कंडीशन जो है ना औरतों की लार्ज फ्रिंजेस में इंडिया समाज के, इंडियन की सोसाइटी के, बड़ी ही प्रिकेरियस है, डेंजरस है, ज़बरदस्त ख़राब है, समझ गए? रिपोर्टेडली मतलब रिपोर्ट किया ऐसा, टू थर्ड्स, अब यहाँ पे क्या मैं बोलूँगा नहीं, दो सेकंड, दस सेकंड के लिए ना स्क्रीन तो देखो आप, टू थर्ड, टू थर्ड्स, वन थर्ड, थ्री फिफ्थ, वन फिफ्थ, आप खुद देख करके इसमें ना थोड़ा सा ऑब्जर्व करो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो अब मैं बताता हूँ, जब जब मैंने थर्ड फिफ्थ कुछ भी लिखूँ, मैं सिक्स भी लिख सकता हूँ, एट भी लिख सकता हूँ, नाइन्थ भी लिख सकता हूँ, जब जब मैंने वन के अलावा कुछ और लगाया ना तो मैंने पीछे एस लगाया, समझ रहे हो, एस लगाया, जब जब मैंने वन लगाया ना इसके आगे आप कुछ भी लिख दो, वन मिलियन लिख दो, आप उसके आगे एस नहीं लगाओगे, वन लगेगा तो एस नहीं आएगा, ऐसा नाउन है ये, ऐसा एडजेक्टिव है, जब टू थ्री ऐसा लगेगा ना तब आपको उसके आगे एस लगाना है। ये बड़ा नाउन चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है और लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं इसमें, क्यों एस लगना है क्यों एस नहीं लगना, वन लगेगा तो एस नहीं लगेगा, वन के अलावा कुछ भी लगा दो तो एस पीछे लगेगा ही लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो कंट्री ने हैव टू थर्ड्स आ गया ना क्योंकि टू लगा हुआ था आगे। और दूसरी चीज़ क्या है, फ्रिंज, फ्रिंज होती है बाउंड्री, आउटस्कर्ट्स, दूर की बाहर की किसी चीज़ की, जो शहर से बाहर का इलाका होता है ना उसको कहते हैं फ्रिंज। पर सोसाइटी का फ्रिंज कौन सा होता है, ऐसे समाज हमारे देश के जो आज भी बहुत पिछड़े हुए हैं, सोसाइटी के फ्रिंज हैं, बिल्कुल आउटसाइड कम्युनिटीज़ हैं, शिक्षा एजुकेशन से उनका कोई मतलब नहीं है, तो लार्ज फ्रिंजेज हैं इंडियन सोसाइटी के, वहाँ पे बिल्कुल औरतों की कंडीशन जो है प्रिकेरियस है, डेंजरस है, ट्रिकी है। एक चीज़ और फटाफट से बता देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैन से वुमन से वीमेन बनाते हैं, मैन से मैन बनाते हैं, ये सब जो आप प्लूरल बनाते हैं ना इनको बनाने के खास तरीके हैं, तो इन तरीकों को आपको, इन वर्ड्स को याद करना ही पड़ेगा। नाउन वाले चैप्टर मैंने आपको बताया था, माउस से बनता है माइस, गूज से बनता है गीस,
लाउ से बनता है लाइस, टूथ से बनता है टीथ, फुट से बनता है फीट। ये आपको इसी तरह से प्लूरल बनाना होता है, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। लाइस होती है शायद, इसको बोलते हैं जूको, है ना, और गूस गीस कौन होते हैं, हंस बोलते हैं ना, हंस हिंदी में उसको बोलते हैं, याद रखें इनको, प्लूरल ऐसे ही बनाया जाता है इनका। कह रहा है ऑफ सिग्निफिकेंट कंसर्न इज द इकोनॉमिक जेंडर गैप, ऑफ का सिग्निफिकेंट बहुत ही ज़्यादा, कंसर्न चिंता का, कह रहा है बहुत ही चिंता का क्या है, कंसर्न क्या है, हमारा इकोनॉमिक जेंडर गैप है, और वो कैसे है, विद स्कोर ऑफ 35.4%, एक स्कोर है जिसमें इतने परसेंट का, 35.4 का, और कब हम कहाँ पे हम, एट द 149th प्लेस, इस प्लेस के ऊपर है, अमंग 153 कंट्रीज, 153 कंट्रियों में, और कह रहा है एंड डाउन 7 प्लेसेस सिंस द प्रीवियस एडिशन, और डाउन है, नीचे हैं 7 अंकों के, 7 प्लेसेस से, 7 स्थानों से, सिंस कब से, प्रीवियस एडिशन से, पिछले सर्वे से। कह रहा है इंडिकेटिंग ओनली अ थर्ड ऑफ द गैप हैज़ बीन ब्रिज्ड, इंडिकेट करते हुए महज एक तिहाई गैप का अभी तक ब्रिज किया जा चुका है। तो इकोनॉमिक जो फ्रंट है ना, उस पे औरतों की कंडीशन ख़राब है, कहने का मतलब ये, इतने परसेंट औरतें ही जो है ना, अगर इन आदमी को है 100 मिल रहा है ना यहाँ पे इंडिया के अंदर मौकों और पैसों के रूप में, वेजेस के रूप में, तो औरतों को 35 रुपये मिल रहे हैं, कहने का मतलब ये। देखो अ थर्ड आ गया, वन थर्ड लिखा है तो मैंने वन थर्ड्स नहीं लिखा, यहाँ पे अ की जगह टू लिखा होता तो टू थर्ड्स होता, समझ रहे हो। हैज़ बिन ब्रिज इज अ पैसिव वॉइस, बी फैमिली की वर्ब बिन, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रिज। चलिए आगे बढ़ें, गैप ब्रिज करने का मतलब है खाई को भरना। द पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन लेबर फोर्स इज ऑल्सो अमंग द लोएस्ट, जो पार्टिसिपेशन है ना, जो भागीदारी है, योगदान है औरतों का लेबर फोर्स के अंदर, ये भी क्या है, साथ ही साथ है में से एक, अमंग किन में से एक, लोएस्ट में से एक, सबसे कम में से एक पूरी दुनिया में, इन द वर्ल्ड। कह रहे एंड द फीमेल एस्टिमेटेड अर्नड इनकम इज ओनली 1/5 ऑफ मेल इनकम, जो फीमेल की एस्टिमेटेड अर्नड इनकम है, जो ऐसा हमारा एस्टिमेशन लगाया कि वो कितने पैसे कमाती है, वो महज है 1/5 मेल इनकम की, आदमी जो कमाता है महज उसकी 1/5 है। देखो 1/5 आया, एस नहीं लगाया पीछे, बार बार मैं आपका ध्यान खींच रहा हूँ, यहाँ 3/5 लिखा होता तो 3/5 लिखना पड़ता, एस लगाना पड़ता, समझ गए। द लोएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, लो लोअर द लोएस्ट, एस्टिमेटेड आप जानते हैं, जो चीज़ आपने जायजा लिया हो, जिस चीज़ को आपने अंदाज लगाया हो, एडजेक्टिव है यहाँ पे, अर्न इनकम को मॉडिफाई कर रहा है। कह रहा है एंड अलार्मिंग स्टेटिस्टिक इज इंडियाज पोजीशन, एक बड़ा ही अलार्मिंग, एक बड़ा ही जो खतरे की घंटी वाला स्टेटिस्टिक है, आंकड़ा है, वो है इंडिया की पोजीशन, जो कि ब्रैकेट में इसने क्या बताई है, 150th रैंक, 150वां रैंक, और किस पे, ऑन द वेरी बॉटम ऑफ हेल्थ एंड सर्वाइवल सम इंडेक्स, बिल्कुल बॉटम पे, वेरी बॉटम पे, और इस हेल्थ एंड सर्वाइवल के सब इंडेक्स के अंदर, इंडेक्स होती है टेबल, सब इंडेक्स मतलब टेबल के अंदर की टेबल, समझ गए। कह रहे डिटरमिंड लार्जली बाय द स्क्यूड सेक्स रेशियो एट बर्थ, जो कि डिटरमिन हो रही है लार्जली मोटे तौर पे, एक स्क्यूड सेक्स रेशियो जो है ना हमारा एट बर्थ, स्क्यूड मतलब एक तरफ झुका हुआ, डिस्टोर्टेड कंटोर्टेड सेक्स रेशियो, आप जानते हैं 1000 आदमियों के सामने, 1000 लड़कों के सामने कितनी गर्ल्स जो हैं पैदा हो रही हैं, और कैसे वायलेंस के कारण, वायलेंस से फोर्स मैरिज जबरदस्ती शादी के कारण, एंड डिस्क्रिमिनेशन इन एक्सेस टू हेल्थ, और जो उनके साथ भेदभाव होता है एक्सेस के अंदर, पहुंच के अंदर हेल्थ की तरफ। देखो सेंटेंस है ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं एक बार रिपीट कर दूं, एक बड़ा ही, जस्ट ए मिनट, एक बड़ा ही अलार्मिंग स्टेटिस्टिक ये है, आंकड़ा ये है, इंडिया की जो पोजीशन है 150वां रैंक है, बिल्कुल बॉटम के अंदर है हेल्थ एंड सर्वाइवल के सब इंडेक्स में, छोटे इंडेक्स के अंदर, और ये कैसे आया बॉटम पे, ये डिटरमिंड है लार्जली मोटे तौर पे निर्धारित है उस टेढ़े मेढ़े सेक्स रेशो के कारण जो होता है बर्थ पे, स्क्यूड कैसे है, एक तरफ झुका हुआ है, सारा का सारा ध्यान लड़कों की तरफ है, बर्थ के टाइम सेक्स रेशो इस तरह का है, और किसके कारण, वायलेंस के कारण, और किसके कारण, फोर्स मैरिज के कारण, जबरदस्ती शादियों के कारण, और किसके कारण, डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव होता है लड़कियों के साथ उनकी एक्सेस में हेल्थ की तरफ, इन सब के कारण इंडिया की पोजीशन है 150th। अब आ जाओ इस सेंटेंस में देखने वाली चीज़ों पे, स्क्यूड मैंने आपको बता दिया, एक तरफ झुका हुआ, बायस्ड बोल दूँ, कंटोर्टेड बोल दूँ, दोनों का मतलब स्क्यूड है। स्टैटिस्टिक, इसको मैं अभी आपको बोलने को बोलूँ ना, आप में से ज़्यादातर लोग क्या बोलोगे, स्टैटिक्स ही बोलते हो ना आप, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर को आप स्टैटिक्स इन्वेस्टिगेटर बोलते हो, जो CGL में पोस्ट होती है, तो गलत बोलते हो, इसको बोला जाता है स्टैटिस्टिक, दो तीन बार बोलें, प्रैक्टिस करें। अगर बोलना सीखना है तो एक ऐप है खबरी,
खबरी, उस पर मेरा एक चैनल है, 5-5, 2-2, 3-3 मिनट की ऑडियोस मैं हर रोज़ डालता हूँ इंग्लिश बोलना सिखाने के लिए, आप मुझे जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर उस ऐप का लिंक है। हर रोज़ डालता हूँ एडिटोरियल पोस्ट करने के जस्ट बाद एक ऑडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, इट इज़ ऑन द एजुकेशनल अटेनमेंट एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट फ्रंट्स दैट द रिलेटिव गुड न्यूज़ इज़ बरिड। कह रहा है ये जो है ना एजुकेशनल अटेनमेंट, जो हमारा शिक्षा की पहुंच है, अटेनमेंट है, अचीवमेंट है, एक तो हमारी शिक्षा की पहुंच अचीवमेंट, और क्या पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, हमारी पॉलिटिक्स में जो एम्पावरमेंट हुई है औरतों की। कह रहे यही वो मोर्चे हैं, यही वो जो तो फ्रंट हैं दैट, जो कि द रिलेटिव गुड न्यूज़ इज़ बैरिड, समझो, यही दो मुद्दों पे कंपेरेटिव तरीके से अच्छी खबर जो है ना इन्हीं के अंदर बैरिड है। बैरिड मतलब क्या है, दबी हुई है, दफनाई हुई है, हिडन है, इसको बोलते हैं बैरी करना, समझ गए। इन दोनों मुद्दों के अंदर ही अच्छी खबर है और अंदर दबी हुई है, इसी वजह से हमने थोड़ा सा स्कोर ऊपर लेकर के आए हैं। अब देखो, देखने की चीज़ क्या है, अटेनमेंट आपको मैंने बताया था, अचीवमेंट, रिलेटिव मतलब होती है कंपेरेटिव या तुलनात्मक बोलते हैं हिंदी के अंदर, फ्रंट मतलब मोर्चा, बैरी बोलते हैं इस वर्ड को, बरिड नहीं बोलते, बैरिड, बैरिड दफनाया हुआ, इसको आप हिडन बोल सकते हो, एंटूम्ड बोल सकते हो, इनह्यूम्ड बोल सकते हो, समझो, एंटूम्ड जिसको टूम्ब में डाल दिया, कवर में डाल दिया, एंटूम्ड, इनह्यूम्ड जिसको अंदर, इनह्यूमन किसी को आप दफना देते हो, इनह्यूम्ड, इनह्यूम्ड का एंटोनिम है एग्ज्यूम्ड, एग्ज्यूम्ड मतलब किसी को दफनाए हुए को आप बाहर निकाल लेते हो ना, तो एग्ज्यूम करते हो आप। इंग्लिश स्पीकिंग के वर्ड्स हैं ये, खबरी ऐप पर जाकर के आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंग्लिश स्पीकिंग अगर आपको सीखना है। आगे बढ़ते हैं, देर इज नो क्वेश्चन, कोई सवाल नहीं है वहाँ, दैट ये कि द जेंडर गैप इंडेक्स प्रेजेंट्स इंडिया, ये जो हमारा जेंडर गैप इंडेक्स है ना, ये प्रेजेंट करता है इंडिया को, और कैसे, विद एन अपॉर्चुनिटी, एक मौके के साथ, और किस काम की, टू मेक द नेसेसरी अमेंड्स फोर्ट विद, मेक करने के लिए, बनाने के लिए जरूरी जो अमेंड्स हैं, जरूरी जो हमारे पास अमेंड क्या होते हैं, चेंजेस, जरूरी चेंजेस को, और कैसे, फोर्थ विद, यहाँ से आगे, समझ गए, अपॉर्चुनिटी अभी मिली है हमको ताकि आगे जरूरी जो हम चेंजेस को बना सकें। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ क्या है, मेक द नेसेसरी अमेंड, ये मेक अमेंड है ना, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की भरपाई करना, जैसे कल आपने मेरे साथ देखा था मेक अप फॉर, वो मेक अमेंड उससे मिलता जुलता ही है, समझ रहे हो, चेंजेस लाना, ऑल्टरेशन लाना, रिफॉर्म्स लाना, मेक अमेंड करना या मेक अप फॉर करना, सिनोनिम है सब। फोर्थ विद क्या है, वर्ड को तोड़ते हैं, फोर्थ मतलब आगे और विद मतलब साथ में, तो इसके साथ में यहाँ से आगे, फोर्थ विद मतलब आज तो जहाँ खड़े हो, अब इसके आगे इसके साथ में क्या आप करने वाले हो, वो हो जाएगा फोर्थ विद, समझ रहे हो, फोर्थ विद, वर्ड को ऐसे तोड़ करके याद रखें। कह रहा डूइंग व्हाट द गवर्नमेंट इज करंटली डूइंग, कह रहा वो करना जो कि जो सरकार है करंटली डूइंग अभी कर रही है, कर इज क्लियरली नॉट गोइंग टू बी सफिशियंट, वो साफ साफ नहीं होने वाला है, बी होने वाला है सफिशियंट, समझो, जो सरकार अभी कर रही है ना, साफ साफ नहीं होने वाला है वो सफिशियंट, बराबर जो है नहीं रहने वाला है वो। अब देखो कॉलम लगा के बता रहा है क्यों नहीं रहने वाला है, सेमी कॉलम लगा के, इट नीड्स टू इंगेज इंटीमेटली विद ऑल एस्पेक्ट्स इंडिकेटेड बाय द इंडेक्स, इसको जरूरत है निंगेज करने की, इंगेज करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को आप एड्रेस करते हो, संबोधित करते हो, किसी चीज़ के साथ में आप जो है मिल करके काम करते हो, तो इसको इंगेज करने की ज़रूरत है इंटीमेटली, इंटीमेटली मतलब बड़े क्लोजली, बहुत नज़दीक आकर के, और किसके साथ, सारे के सारे पहलुओं के साथ, आस्पेक्ट के साथ जो कि इंडिकेट हुए हैं, किसने किए हैं, बाय द इंडेक्स, इस इंडेक्स के द्वारा, और क्यों है ये, टू इम्प्रूव द स्कोर, ये करना है बेहतर बनाने के लिए स्कोर को, और क्या करने के लिए, सेट द टारगेट्स, और सेट करने के लिए टारगेट्स को, और क्यों, टू रिड्यूस द जेंडर गैप इन द फॉरसिबल फ्यूचर, रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए जेंडर की खाई को, फासले को, उस फ्यूचर में जो अभी फॉरसिबल है, जिसको हम थोड़ा टाइम आगे में जो मिलने वाले हैं, देख सकते हैं थोड़ा टाइम आगे जो आने वाला है, समझो, एक सेकंड रुक जाओ, ये सेंटेंस में एक बार रिपीट कर देता हूँ, शायद कन्फ्यूजन आई हो आपको। कह रहे जो हम अभी कर रहे हैं, सरकार अभी कर रही है करंटली, वो करना साफ साफ नहीं दिखता हमें कि वो होने वाला है सफिशिएंट, क्योंकि इसको ज़रूरत है करने की इंगेज बड़ा क्लोज आकर के उन पहलुओं को जो कि इंडिकेटेड हैं इस इंडेक्स के द्वारा, और इंगेज क्यों करना है, इम्प्रूव करने के लिए स्कोर को, और क्या करना है, इसको सेट करने हैं टारगेट्स, रिड्यूस कर पाए ताकि ये जेंडर के अंदर फासले को इस फॉरसीबल फ्यूचर के अंदर जो नियर एंड डियर फ्यूचर है। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ क्या है, आस्पेक्ट में यहाँ मार्क करना भूल गया, इसको आप जो आप फेसेट बोलते हैं, हिंदी बोला जाता है पहलू,
फोर्सिबल क्या है, फोर मतलब आगे, सी मतलब देखना, एबल मतलब जिसको देख सकते हैं, जिसको आप थोड़ा सा आगे देख सकते हैं वो होता है फोर्सिबल, मतलब आप बोल रहे हैं एक्सपेक्टेड या प्रेडिक्टेबल, या इसके लिए एक वर्ड है इमिनेंट, जो बिल्कुल सर पे खड़ा हो आपके, इमिनेंट, इमिनेंट फ्यूचर, समझ गए। देखिए अपने, मैं थोड़ा सा ध्यान देकर के चीज़ों को रिपीट करता हूँ, इसीलिए वीडियो लंबी होती है, कुछ लोग परेशान है वीडियो लंबी है, मैं ये पूरा एडिटोरियल 5 मिनट में समझा सकता हूँ आपको पढ़ा करके, मेरे को तो आ ही जाएगा, आपको आ ही नहीं है, पर मैं वो नहीं चाहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट विल हैव टू ड्रास्टिकली स्केल अप एफर्ट्स, इसको विल हैव टू, ये विल हैव टू आपने मेरे साथ देखा था ना, विल मतलब फ्यूचर में, हैव टू मतलब आपकी मजबूरी है, कुछ करना पड़ेगा। इट विल हैव टू, इसको फ्यूचर में करना ही पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, ड्रास्टिकली स्केल अप करना पड़ेगा, बहुत तेजी से ऊंचा उठाना पड़ेगा एफर्ट्स को, उन कोशिशों को। इट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड, जो कि ये इंट्रोड्यूस कर चुकी है, किस काम के लिए, टू एनकरेज, एनकरेज करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए वीमेंस पार्टिसिपेशन, औरतों के पार्टिसिपेशन को, भागीदारी को, और क्या करने के लिए, इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देम, और करने के लिए इंक्रीज मौक़ों को, बढ़ोतरी मिलाने के लिए, मौक़ों को बढ़ाने के लिए उन लोगों के लिए। तो जो स्कीमें निकाली हैं औरतों की, उनको स्केल अप करना है, थोड़ा सा एक स्केल ऊपर लेकर के आना है उन एफर्ट्स को, समझ गए। स्केल अप का मतलब क्या होता है, फ्रेजल वर्ब है, किसी चीज़ को एक लेवल ऊपर लेकर के आना। ड्रास्टिकली मतलब बड़े, आप इसको ड्रामेटिकली भी बोलते हो, एक बड़े अंदाज के अंदर, मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा करते हो ना, ड्रास्टिक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। विल हैव टू स्ट्रक्चर को नोट करें, मैं आपको 2 बार पहले करवा चुका हूँ एडिटोरियल्स के दौरान, शायद आपने नोट्स बनाए होंगे। कह रहे टू डू सो, ऐसा करने के लिए। इट ऑल्सो नीड्स, इसको ये भी ज़रूरत है, टू मेक श्योर, कि वो बनाए इस चीज़ को, मेक श्योर करे दैट देयर इज़ एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन एट द ग्राउंड लेवल, वहाँ पे है एक्चुअल के अंदर अमलीकरण, इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे, ज़मीनी हकीकत में, समझो, स्कीम बनाने से नहीं होगा कुछ, ज़मीनी हकीकत में उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। कह रहा वाइल अ गुड स्कोर एनी ऑन एनी ग्लोबल इंडेक्स इज़ अ टारगेट वर्थ पुशिंग, कह रहा जहाँ एक अच्छा स्कोर किसी भी दुनिया भर के ग्लोबल इंडेक्स के अंदर, टेबल के अंदर, इज़ अ टारगेट, वो एक टारगेट है जो कि है वर्थ पुशिंग, जिसको परस्यू, वर्थ परस्यूइंग, जिसको परस्यू करना, जिसका पीछा करना बिल्कुल वर्थ है, समझो, कि किसी टारगेट को, ऐसे एक टारगेट को पीछा करना बिल्कुल सही बात है जिसके अंदर ग्लोबल इंडेक्स के अंदर एक गुड स्कोर आए। वाइल, जहाँ, कह रहा व्हाट इज बीइंग क्वेश्चन हेयर इज बेसिक, जो चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन की जा रही है हेयर, यहाँ पे वो बड़ी बेसिक है, बड़ी आधारित है, सीधी सी है वो, और वो क्या है, इज़ द स्टेट रेनेजिंग ऑन द कमिटमेंट टू हाफ इट्स पॉपुलेशन, क्या जो स्टेट, क्या जो सरकार, क्या जो देश रेनेजिंग कर रहा है, मुकर रहा है अपने वादे से, ऑन इट्स कमिटमेंट, अपने वादे से, और किसके लिए, टू हाफ इट्स पॉपुलेशन, इसकी आधी पॉपुलेशन से। हाफ पॉपुलेशन कौन होती है, हम जनरली हाफ पॉपुलेशन लिखते हैं औरतों के लिए, समझो 50% ही है ना औरतें दुनिया भर में। एक बार सेंटेंस रिपीट कर दूं, कह रहा है जहाँ एक अच्छे स्कोर को किसी भी ग्लोबल इंडेक्स में एक टारगेट होना चाहिए, जो है स्कोर लाना, एक ऐसा टारगेट जो होना चाहिए वर्थ पुशिंग, जिसको परस्यू करना वर्थ परस्यूइंग, जिसका पीछा करना बिल्कुल जायज हो। कह रहा है जो चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन की जा रही है ना, वो क्या है, बड़ी बेसिक है, सीधी सी है, वो ये कि क्या जो स्टेट है वो रनेज कर रही है, पीछे हट रही है अपने उस कमिटमेंट से जो आदि इस पॉपुलेशन से उसने किया था, औरतों के साथ किया था। अ कमिटमेंट टू एमिलोरेट द कंडीशन फॉर वीमेन इज नॉन निगेशियबल ड्यूटी ऑफ एनी स्टेट, कह रहे कमिटमेंट है ना अच्छा बनाने का, शांत करने का औरतों की कंडीशन को, कंडीशन फॉर वुमेन, ये जो कमिटमेंट है नॉन निगोशिएबल, इसको आप निगोशिएट नहीं कर सकते हैं, इस पर कोई बहस की बात नहीं है। कह रहे एक ऐसी नॉन निगोशिएबल ड्यूटी है ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट की, समझ गए, नॉन निगोशिएबल मतलब इस पर कोई बात नहीं है, ये तो करना ही करना है सबको, कोई निगोशिएशन इस पर नहीं कर सकते हैं। एमिलोरेट वर्ड है बहुत, इसके सिनोनिम आपने मेरे साथ पिछले 4 महीनों 6 महीनों में देखे हैं, अस्यूएज, बाम, सैव, पैसीफाई, मॉलीफाई। बाम और सेल्फ दोनों का मतलब क्या होता है, मरहम पट्टी। अस्यूएज मतलब किसी चीज़ को शांत करना। मॉलीफाई और पैसीफाई भी इसी के सिनोनिम्स हैं। सब के सब सिनोनिम किसके हो गए, ये एमिलोरेट के, याद रखें, नोट्स में डालें। चलिए सिंपल सा एडिटोरियल था, थीम बहुत अच्छी थी, कुछ वर्ड्स नए थे आपके लिए, अदरवाइज इट वॉज ए सिंपल एडिटोरियल। अच्छा लगा हो तो लाइक बटन है आपका ही है, यूज़ करें उसको। कमेंट सेक्शन में आप अपना अप्रिसिएशन बता सकते हैं, कमेंट्स बता सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज मुझसे बता सकते हैं। आप, मैं आपके सब क्वेरीज को है ना, क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करता हूँ, हर सवाल को। नंबर मैंने आपको दे दिया है, उसका सही इस्तेमाल लें।
परेशान मुझे भी नहीं करें, खुद भी ना हो। आप मुझे परेशान करेंगे ना तो मैं कोई एडिटोरियल कोई वीडियो ही मिस करने वाला हूँ, कहाँ से लाऊंगा मैं ज़्यादा टाइम, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम है ही नहीं। तो टाइम को वेस्ट अपना भी ना करें, मेरा भी ना करें। जो क्वेरीज वर्थ आस्किंग है ना, वर्थ पुशिंग जैसे देखा है वैसे वर्थ आस्किंग क्वेरीज ही आप मुझसे उस नंबर पर करें। फिर मुलाकात लूँगा कल सुबह के न्यूज़पेपर के साथ। दे जा रहे तब तक के लिए साइनिंग आउट।